थिएटर याना देखने वाले ने सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। आज मैं पहुंचा हूं जंडली खुर्दगाम में। रियू बता दूं तो हमने टुआना विधानसभा क्षेत्र में आवे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ऐडा का जो गांव का हाल है, इस सरकार ने कितने के काम कराए हैं मैं तुमने बताऊँगा। रीब ऐडा मेरा गला बालक हैं खेलने वाले, स्टेडियम में हूँ मैं मौका पर, तो इन तो पूछांगे किसा के काम करे है इस सरकार ने के नहीं। और खेलना बै कवा तो है नुबला खेल लगा इंडिया तभी बढ़ेगा आगे इंडिया, तो किमें काम होया है क्यों सुक्का डोसकला है। पहलवान जी सब तो पहले तो ठेठरी आना में आपका स्वागत है सारे। धन्यवाद भाई साहब। ऐडे किमें काम कुम हो भाई खेलना बै गांव में इस सरकार में? भाई खेलना की तरफ सरकार का कोई रुझान नहीं है, किसी भी गेम की तरफ नहीं है। जो देहाती गेम थे बिल्कुल ख़त्म कर दिए, खासकर खो खो थी, सर्कल कबड्डी है, वो जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई उस तो बैर कर दी। इससे जो सर्कल कबड्डी के प्लेयर है उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। बाकी हमारे गांव में जो कई दिन तक समस्या आ रही है, कई साल तय स्टार्टिंग तय स्टेडियम वो है नहीं। जो स्कूल का खेल परिसर है छोटा सा, इसमें मेहनत करनी पड़ा है। इसमें मैं देखने लग रही हूँ खेलने का और कोई सिस्टम है नहीं। इसमें कोई सिस्टम सा नहीं भाई साहब। जो स्कूल का दायरे में आया जगह है, हमारे कृष्ण पीटीआई थे उन्हें दीवार कटवाई, उनकी मेहनत है। बाकी अब जो मौका सरपंच है उसने मिट्टी भी डलवाई है, जिस करके खेलने लायक होया है। बाकी गवर्नमेंट 3 साल तक कहने लग रही स्टेडियम पास हो रहा है मनागा, इस आज तक कुछ नहीं होया है। बाकी अगर जो स्टेडियम हो बच्चे ने एक जगह खेलने का मौका मिला है, गाँव के बड़े बुजुर्ग है कम से कम 100-150 से 200 करीब बुजुर्ग ऐसे है, सवेरे वॉकिंग करा है, सड़कों पर जाना पड़ा है, दुर्घटना होने का बहुत नुकसान ध्यान रखना पड़ा उसका। एक स्कूल स्टेडियम में जगह हो, बैठ के रनिंग करी जाए, वॉकिंग करी जाए, योगा वगैरह कर ले। आगे जो नई जनरेशन है उसने भी देखा बच्चे नए सीखा कुछ, कोई दाएँ बाएँ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा, लेडीज़ है उन्हें भी काफ़ी परेशानियाँ हुआ है। बहुत सी लेडीज़ है जो सवेरे वॉकिंग करा है, सड़कों पर जाना पड़ा है, कि अपना स्टेडियम में जगह हो सुनिश्चित, उस बात का बहुत फर्क रहा। मैं छोटा हाल आग गया था बोला काला जेंडली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है भाई, तो तेरा कहानी भी देखा कि मेरी सरकार ने? भाई मेरा कहानी जॉब खेतर कुछ नहीं देखा है, 3-4 बार डॉक्यूमेंट अप्लाई करे मैंने, मंगवाए भी है पोस्ट विभाग ने पंचकूला से, मैसेज भी आए भाई आपके डॉक्यूमेंट पूरे कर जो, स्पेशल जाके भी आया, हमें इसी बात नहीं है। उसके बाद मैं नौकरी खातर गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो बैर कर दी है, सर्कल कबड्डी है जो इसकी तरफ अगर ना इसकी कोई स्कॉलरशिप पाओगी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर खेलेंगे, और नौकरी की तो बात घनी दूर की है। हरियाणा सरकार ने नुवा ने बोला हरियाणा सरकार भी उपराले भी बोला खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तो खेल खेल का कड़ाया है रायडा, तो इन्हें कि मैं थोड़ा बहुत भी सहयोग कराया कौन इन्हें कि मैं कुछ? भाई मैं 2014 में जो सीनियर नेशनल हुई थी उत्तराखंड खेला था, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत 2 लाख रुपये स्कॉलरशिप के दिए थे मेरे को, और 2016 में मई में एशियाड चैम्पियनशिप खेली मैंने, उसके अंदर स्कॉलरशिप तो मिल गई मेरे को 4 लाख रुपये। जॉब के लिए मेरे को कैंसिल कर दिए, डॉक्यूमेंट लगाए थे जो घर भेज दिए, बोला पॉलिसी तो बाहर हो आप, आपकी कोई जॉब नहीं है, आगे तो ना कोई स्कॉलरशिप मिलेगी इस गेम की, ना इस कोई जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट वगैरह दे सारे वे ख़त्म कर दिए। हरियाणा तो बैर छोड़ अपना दले देश तो बैर कड़िया गए हैं भाई। मैं पाकिस्तान खेले हूँ जो सरकारी गेम थे, साई अथॉरिटी तो अपनी इंडिया टीम गई थी, गुरमेल पहलवान जी जो अपने फेडरेशन के चेयरमैन हैं एमेचर कबड्डी फेडरेशन के इंडिया के, उसके अंतर्गत टीम गई थी, वहाँ अपना सिल्वर मेडल आया था, एशियाड चैम्पियनशिप हुई थी। उसकी सरकार ने कुछ हो नहीं कराया हमारा, आए इधर सीधे घर खुद आए गए, कोई DSO वगैरह है या जो स्पोर्ट्स विभाग का कर्मचारी है पंचकूला है या जो मंत्री साहब अनिल विज, उन्होंने ऐसा कुछ और रुझान नहीं दिया, वैसे जा भी नहीं रहे थे हमें, जो साई अथॉरिटी है अपनी इंडिया की उसके तहत टीम जा रही थी, इधर आया हमें उस बात का बहुत दुख हुआ। मैं गवर्नमेंट ने हमारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया इस मामले में, कोई सम्मान समोर नहीं कराया, सीधे आके घर आना पड़ा। सीधा तौर पर मैंने कैस का जो नहीं है खेल वाह है नहीं जुगाड़ साज खेल वाला बनाए रखे सरकार ने, इस तक कोई खुश नहीं है मेरे लिए।
ना मैं तो खुश हूँ नहीं, बाकी और प्लेयर की मैं कह कह सकूँ हूँ। बाकी जो गवर्नमेंट की नीति है स्पोर्ट के अंदर वो बिल्कुल भी जीरो है, मैं तो जीरो मानू हूँ, क्योंकि 4 साल तो इस गवर्नमेंट के हो गए और 5-6 महीने पिछली साल के सरकार के जो कांग्रेस थी उसके थे। इसके तहत एक प्लेयर भी किसी भी गेम का जो ऊपर नहीं लगाया है, कोई केस कर रहा है, कोई कुछ है। अपना समैन की लगी थी नगुडिया सर्कल कबड्डी की, वो भी एक समैन की, एक नाड़ की है, एक और थी शायद, वो भी केस करके लगी है। तो हमने देखा यू फोर्ड विजेता अपना हरियाणा का पहला फोर्ड विजेता काला जंडली था, रीति बताया है नवलिया जो खेल आलिया जगाड़ा बनाए रखा नहीं सरकार ने डोस कला खाम खाई का कह नहीं दिया मैं तो इस तय जड़े नहीं खुश सर। बाकी छोटे छोटे नौजवान खिलाड़ी और भी बैठे हैं, मेरा गला इन पर पूछा गई है कितने एक संतुष्ट हैं इनका गांव लेवल पर एडा देखा पे स्टेडियम का तो तमने बुरा हाल है जमा प्रधान जी, छोटे छोटे बड़कों ने खिलावा है तो बुरा गाँव का कोई सहयोग मिला सरपंच का या ऊपर सरकार का? गाँव का तो ठीक है, वैसे फिर सरकार का कोई सहयोग नहीं है इसके अंदर, सरकार का कोई रुझान ही नहीं है गेम की तरफ। तो वैसे गले जितना एड मैं देखने लग रहा हूँ थोड़ा बहुत भी करा खत्म ना खेलने का जुगाड़ी सारा आप करो। ये तो किसी ने अपने खेत से मिट्टी उठवा रहे थे उसने डलवा दी है वैसे सरपंच के थ्रू थोड़ी बहुत है, बाकी वैसे कोई रुझान है नहीं इसमें स्टेडियम में भी ऐसा कुछ भी कोच काच या कोई सुविधा नहीं है वैसे, है ना, सरकार की तरफ से कुछ है नहीं वैसे। आज आपने वाले स्टेडियम तो बाहर जाएगा गांव में बड़ा, हाँ गांव में किसे काम करा रखी है सरकार ने? गांव में अच्छे है वैसे, गांव में तो गुड़िया अच्छी पक्की कर रखी है, जुगर में ही बैठ ही था ये गाड़ सी में जुम्मा गुंडा हाल हो रहा था वो मैन गली तो जमीन जमीन के चक्कर में थोड़ा रुकी हुई है, बाकी गलियों के लिए ठीक है सरकार, गलियों के लिए तो अच्छा है, गलियों के लिए कोई दिक्कत नहीं वैसे। तेरे हिसाब से भाई तो खेल खेलना है रोज कितना के भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सुविधा सुविधा सुतरी ना? सरकार की तरफ तो कोई सुविधा नहीं है, सारा अपनी तरफ तक रखा है बच्चों ने या गांव वालों ने, बस सरकार की तरफ तक कोई सुविधा नहीं है, अपनी तरफ से मेहनत करते हैं बच्चे। ये मिट्टी भी सरपंच ने गिडवाई थी और अपनी तरफ से बच्चों ने की है, मतलब सरकार की कोई वो नहीं है, गांव वालों ने किया जो किया है। पे देखा नहीं स्टेडियम वाला स्टेडियम का तो कोई है ही नहीं, बारिश में यहाँ देखो पानी इकट्ठा हो जाता है या वैसे कोई वो नहीं है, सरकार की तरफ से बिल्कुल ध्यान नहीं। तो कितना खुश है भाई सांसद? बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं मिली ना। कितना खुश है भाई जो अड़ा खेलने आवर रोज भाई? कुछ नहीं खुश, हाँ कोई ग्राउंड की सुविधा नहीं है, छोटा मोटा ग्राउंड है इसमें भी देख ले व्यवस्था आपके सामने है, कोई कुछ नहीं भाई। आज सोने का भी डर सा रंदा हुआ है टाइम, आज सब देख ले भाई पानी इकट्ठा हो रहा है, 2-3 दिन खेलने का कोई जुगाड़ नहीं है। इसका दोषी कितनी मानो था मैं? दोषी तो भाई सरकार ने कुछ करना चाहिए, कुछ ग्राउंड ग्राउंड की व्यवस्था कह हो रही है फिर अभी तक बनया नहीं है। तो कितना खुश है डा ठेलाड़ा जुगाड़ हा सिस्टम हा बंद रखा है तारा सरपंच ने भी जमा खुश हूं भाई कुछ नहीं करया हमारा सरकार ने धक्का पे लड़ी मार गले उन्हें सरकार का कोई फायदा को नहीं आन का पहला वोट ले ले वो कह के ना नू कर देंगे फिर भूल जे बंदे ने तेरा काम में काम हो रहे भाई कितना खुश है सरकार के काम में करया है कोनी किमे भी कोन करया सरकार ने कोई देश देख सा दूसरा सीएम है तारा हटदा सीएम मारना का तो है कोनी जो और करना का तो क्या इसका इस स्टेडियम का तो नाल देख के रह क्या गली का और दिखाई लियाँगे भाई माम तो खुश हाँ कुन। अरे खेलने वाला संघ है सरकार का अनुभव में खेलेगा इंडिया बड़ा का इंडिया इस पर कि मैं काम होया कि मैं भी को नहीं आया कट तो बड़ा का इंडिया कट तो खेलेगा जो ये काम नहीं होने लग रहे फिर खेला कट भाई तो मैं देख सको हो एडा का इनके जो खेलने वाले प्लेयर हैं इन्हें बताया भाई एडा कोई काम नहीं होने लग रहा खुद तो मैं एडा का हाल देख सको किस डाल का एडा स्टेडियम का हाल है यू है सरकार का अनुमिला खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया तमने मैं अनिल बीज है अपने स्वास्थ्य मंत्री और खेल मंत्री उसका भी ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगा भाई यू जेंडली गांव है एड तो इंटरनेशनल प्लेयर कई बड़े बड़े स्तर पर खेलने हैं लेकिन वह भी नाराज हैं सरकार के इस रवैये ने तो मैं खुद देख सको है डाल जमा बूंडा हाल है एक किस्म के हादसे होने का भी डर है किसी बालक की टांग बांध टूट जाए भरी साहब तक होया तो को नहीं है बाकी तो मैं खुद देख सको इसका हाल यू हैडागा स्टेडियम हैडा तो बड़े बड़े इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयर
ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਖੇਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਲ ਗਏ ਖਿਲਾੜੀ ਅੜਦਾ ਇਸ ਗਾਮ ਮੈਂ ਖੇਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾ ਨਾਮ ਗਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਮ ਪਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਜੋ ਜਾਂ ਡੋਕਸ ਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਂ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆ ਉਸ ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਇਹਨੇ ਬੜਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਪਾ ਕਰਿਆ ਹਰ ਦੇ ਤੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟਰ ਚੈਨਲ ਕਾ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੈ ਹਰਿਆਣਾ ਜੈ ਹਰਿਆਣਾ।